जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है, और जो आप प्यार कर रहे हैं, जो सपोर्ट दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखें। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इन तीन रंगों के कपड़े हमें जीवन में नहीं उपयोग करना चाहिए, इनसे जितना हो सके उतना बचना चाहिए, क्योंकि रंग जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रहों को, रंग जो है हमारे व्यक्तित्व को बताते हैं, रंग जो है हमारे जीवन में कई सारी पॉजिटिविटी एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो रंगों का अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। थोड़ी हवाएं तेज चल रही हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें बताई गई जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कपड़े तो हम सभी लोग पहनते हैं, विभिन्न कलरों के पहनते हैं, लेकिन कुछ सावधानी अगर हम उसमें रखें तो वो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और उनके माध्यम से हम जीवन में पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा अच्छी और सकारात्मक अस्त्रों से रिलेटेड आप जानकारी मिलती रहे। दूसरी बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में जो है शिव हरिशंकर ये कमेंट्स ज़रूर लिखें, भोलेनाथ का नाम लिखें, और अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें फिर बात करें, उसका फीस है, फीस पे करके आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम आमतौर पर विभिन्न रंग यूज़ करते हैं, अपने डेली यूजेस में भी करते हैं, अपने ऑफिस में, काम में, या कहीं पर भी, घर में भी हम कई चीज़ें करते हैं। तो अपने जीवन में देखिए होता क्या, हमें नहीं पता होता कि हमारे जीवन में शनि की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है या कौन सा रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो आप उसको खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला कलर है ब्लैक कलर। अब यहाँ से बातों को बहुत ही शांति से आप समझिए कि ब्लैक कलर जैसे हम पहन रहे हैं बार बार, तो उससे कुछ हमें नेगेटिव फील कर रहे हैं या कुछ चीज़ें नेगेटिव हो रही है, अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप काला कलर पहनना छोड़ दीजिएगा, मतलब उस वक्त के लिए छोड़ दीजिएगा। अपनी कुंडली का या तो किसी से एनालिसिस करवा लें, या नहीं भी तो या तो फिर आप काले कलर को पूर्ण रूप से छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने भी प्रैक्टिकल देखा है, उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया, वो काला रंग कई दिनों से फॉलो कर रहे थे, तो कई सारी चीज़ें उनकी डिस्टर्ब हो रही थी और वो ये बता रहे थे। दूसरा कलर है लाल कलर, एकदम तेज। ये दोनों जो कलर हैं, इन दोनों कलरों में एक बात ये है कॉमन कि ये तेज वाले हैं, ब्लैक तेज, ब्लैक रेड जो पूरा रेड होता है, इसमें कपड़ा पूरा एक ही कलर का होना चाहिए, न कि कहीं पे आप इस कलर का उपयोग इस तरह से करें कि जैसे पूरा शर्ट है उसमें 20% काला हो सकता है, 20% लाल हो सकता है, ऐसा ना हो कि 50-50 कलर हो। तो जो लाल कलर भी होता है कई बार वो भी हमें हमारे मंगल का दोष होते हैं या मंगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, नेगेटिव वे में होते हैं, तो ये कलर हमें और ज़्यादा नेगेटिव वे में डाल देते हैं। तो दूसरा कलर हो गया है लाल, और तीसरा कलर है नीला कलर। उसको नीला कलर जो शनि के प्रभाव क्षेत्र में आता है, और हमें नहीं पता होता है कि इस समय किस तरह का दौर चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, तो लाल, काला और नीला ये तीनों कलर को एकदम पूरा, मतलब हार्ड जो तीनों कलर है उन्हें पहनने से बचे।